वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक रेशनल नंबर ऑफ क्लास सेवन्थ। रेशनल नंबर ऑफ क्लास सेवन्थ, जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली रेशनल नंबर आए कहाँ से, क्यों इनकी हमें ज़रूरत पड़ी, कैसे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम डेवलपमेंट हमारा होना शुरू हो गया, हम सिविलाइज्ड होना शुरू हो गए, हम एक ही जगह पे रहने लगे और वहाँ पे ही हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे हमें काउंटिंग नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। किस चीज़ की हमें कितनी ज़रूरत है, वहाँ पे हमें काउंटिंग नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसी तरह से प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब जब हमने सिविलाइज्ड हुए, काउंटिंग हमारी इंट्रोड्यूस हुई, तो सबसे पहले जो हमारे नंबर इंट्रोड्यूस हुए वो थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनको नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर्स का। उसी तरह से जब ये नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए और हम आगे और ज़्यादा हम डेवलप होने लगे, तो एक नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जीरो, और जैसे ही जीरो इंट्रोड्यूस हुआ तो एक नया सेट ऑफ नंबर्स, इसको एक नया नाम दे दिया, इसको बोला होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। उसी तरह से फिर कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आने लगी जब हमें तो कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आने लगी जब हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे सपोज़ हमें माइनस करना है, 7 माइनस 9 करना है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हुए, हमने इसे लिखा -2। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर्स को हमने लिखना शुरू किया इंट्रोड्यूस हुए, तो वो एक नया सेट इंट्रोड्यूस हो गया और उसको हमने बोला इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स की ज़रूरत हमें पड़ी जब हम किसी चीज़ का अपोजिट यानी डायरेक्शन के साथ किसी चीज़ को लिखें। यानी जो पॉजिटिव नंबर्स या नेचुरल नंबर या होल नंबर जो होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर हमें बात कर दें, जैसे हमने बताया भी कि प्रॉफिट ऑफ ₹20 इज डिनोटेड बाई +20, कि अगर प्रॉफिट को हम +20 लिखते हैं तो लॉस को क्या लिखेंगे, लॉस को लिखेंगे -20। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आ गई कि लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हमारे इंट्रोड्यूस हुए इंटीजर्स। इसी तरह से आगे चलते हुए हमने फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दो नंबर आ गए, इसको फ्रैक्शन बोला गया। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हमेशा होल नंबर होता है, डिनोमिनेटर सिर्फ नेचुरल नंबर होता है, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर वो होता है वो नंबर आ जाता है इनफाइनाइट, यानी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये नंबर आ जाता है। तो फिर हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत कैसे पड़ी। जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स जो थे हमारे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसी तरह से जो फ्रैक्शन है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। तो उसी तरह से जब फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स आने लगे, तो वहाँ पर हमारा रेशनल नंबर स्टार्ट हो गया कि ये रेशनल नंबर्स हैं, उसमें ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। मैथमेटिकली उनको कहा जाता है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, पी न्यूमरेटर होगा, क्यू डिनोमिनेटर होगा, और जो क्यू है यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको, जैसे बच्चों यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, एग्जांपल्स में दे रखे हैं कुछ रेशनल नंबर्स। देखिए, न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। कुछ नोट हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म इंटीजर अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइन, ये जो इंटीजर अपॉन ज़ीरो होता है नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी होता है, ये रेशनल नंबर नहीं होते। हम हर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे डिनोमिनेटर 1 लिख के। जैसे एग्जांपल 2 है हमारे पास, तो 2 को हम इसको रेशनल नंबर के तौर पे कैसे बताएंगे, रेशनल नंबर की तरह 2 अपॉन 1 लिख के बता देंगे। -7 को कैसे बताएंगे, -7 अपॉन 1 लिख के बता देंगे। इसी तरह से, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, तो क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही। देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर आर रेशनल नंबर, सारे ये रेशनल नंबर होते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, उसे हम 0.1, 0.2 कुछ भी लिख सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है।
जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसी तरह सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी होल नंबर, वो होल नंबर नहीं होते और ना नेचुरल नंबर होते। तो यहाँ से एक लाइक अ फ्रैक्शन, अ रेशनल नंबर कैन ऑल्सो भी रिड्यूस इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। एक रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो हमें नहीं दिया है, जब तक जैसे एग्जाम्पल है 13/11 -17/5 -3/-4 एक्सेट्रा, रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। आगे चलते हुए स्टूडेंट्स, आपके पास टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर होंगे, वन इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड अदर इज़ नेगेटिव रेशनल नंबर। एक आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे और एक आपके पास नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर बहुत ही ईजी है। हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं, सेम साइन है, तो वो पॉजिटिव होंगे। और अगर ये डिफरेंट साइन के हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर ये डिफरेंट साइन के हैं तो ये नेगेटिव होंगे, डिफरेंट साइन, तो ये होंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। समझ में आया? यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव है, तो फिर ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर और रेशनल नंबर। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना नेगेटिव रेशनल नंबर है। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। जिस तरह से मैं नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बता रहे थे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, -3/8, 5/-11, 7/-2, -4/9। ये देखिए, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है। यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। आगे चलते हुए स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट आर रेशनल नंबर्स गिव टू एग्जांपल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसके हम कोई भी दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हैं, सपोज 7/2 या 5/3। इस तरह से हम इजीली इसका कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। विच रेशनल नंबर इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है? तो ज़ीरो ऐसा रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है? सिर्फ ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब रेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। कौन से पॉजिटिव हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा, वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे एक ये है और एक ये है, इसको हम 23/1 लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट होगा, जैसे ये है, ये है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये, क्योंकि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन है वो डिफरेंट है। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। इन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1, इसको लिख सकते हैं -8/1। इसी तरह से इनके नीचे भी हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर्स। इनको इंटीजर्स के तौर पे लिखना है, इंटीजर्स की तरह लिखना है, तो ये 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 33 इंटीजर हो गया, 2 4 8 -4 हो गया, 5 4 20 -4 हो गया, तो ये इंटीजर्स हो गए, ये इंटीजर हो गया, 6 -4 इंटीजर हो गया, 33 इंटीजर हो गया, -4 इंटीजर हो गया, तो हमने इनको लिख दिया एज अ इंटीजर। हमें इसमें ये बताना है न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज दिस एंड डिनोमिनेटर इज दिस। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 + 4
फोर इंटू माइनस फाइव। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20, बट प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाता है माइनस के 18। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिखेंगे हम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3, और 3 2s are 6, और माइनस माइनस प्लस, तो न्यूमरेटर हमारा आया -18 और डिनोमिनेटर आया 6, तो हमारे जो फ्रैक्शन हुई वो क्या हो गए, -18/6। इस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।